नमस्कार मित्रों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के आत्मकथा पर बातें करेंगे। वीर आवास तेजस्वी महापुरुष जो आज भी हमारे युवा में जोश भर देते हैं, वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी जीवन की जंग का वास्तविक नेतृत्व करते हैं, वो एक महानायक महापुरुष है। हमारे प्राक्तन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्राक्तन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्वामी जी को अपना आदर्श मानते थे, और ब्रिटिश साम्राज्य का नींद उड़ाने वाला देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति का भी आदर्श था स्वामी विवेकानंद। सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, स्वामी जी का अनुरागी पूरे विश्व में है। उदाहरण स्वरूप महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला भी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते थे। स्वामी जी के पिता कोलकाता हाईकोर्ट के एक लॉयर थे और उनके माता थी भुवनेश्वरी देवी। कहा जाता है कि स्वामी जी के जन्म से पहले भुवनेश्वरी देवी के सपनों में महादेव प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेना चाहता है। इसके बाद स्वामी जी के जन्म मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कुलीन बंगाली कायस्थ घर में जन्मे नरेंद्र बचपन से ही बहुत धार्मिक और तेजस्वी था। नरेंद्र के परिवार काफी अच्छे परवरिश वाले थे, पर वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद भी करते थे, इसलिए उनके परिवार को सभी लोग सम्मान करते थे। एक दिन नरेंद्र के सपनों में दो तरह की घटना घटी। एक तरफ उनको अच्छे परिवार दिखाई दिए, जहाँ पर एक आदमी जिसके पास अच्छा घर, पैसा, पत्नी सब कुछ था। दूसरे तरफ उनको एक आदमी दिखाई दिए जिनके पास कुछ नहीं था, वो सिर्फ ईश्वर का प्रचार करते थे, पूरा जीवन भगवान के नाम पे अर्पित किया हुआ था। वे दो रास्ता नरेंद्र को अपने लिए चुनना था और हमारे स्वामी जी ने सन्नास का रास्ता चुना। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर को देखने का इच्छा था। कहा जाता है कि बचपन में बालक नरेंद्र जब कभी भी किसी से मुलाकात होती थी तो एक ही सवाल करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? ये सुनकर सब आश्चर्य हो जाते थे। फिर एक दिन वो कलकत्ता दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उनका मुलाकात परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव जी से हुए। वहां पर भी उन्होंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण जी ने स्वामी जी की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोला, हाँ मैंने देखा है। और यहां से ही शुरू हुआ गुरु और शिष्य का एक नया अध्याय। स्वामी विवेकानंद के जीवन गुरु रामकृष्ण से बहुत प्रभावित था। अपने गुरु से उन्होंने यही शिक्षा लिया था कि हर प्राणी में ईश्वर का वास होता है। अगर आप हर एक प्राणी की सेवा करेंगे तो आप मान लीजिए कि आप ईश्वर का सेवा कर रहे हैं। अपने गुरु की मृत्यु के बाद पूरा मठ का दायित्व स्वामी जी के ऊपर आ गया। दुनिया भर की अलग अलग किताब पढ़कर स्वामी जी अपने शिष्य को सुनवाते थे। यही नहीं, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक हालत की जानकारी भी अपने शिष्यों को देते थे। उनके सभी उपदेश को उनके शिष्यों ने किताब के रूप में संकलन किया हुआ है। उस समय अछूत या अनटचेबल और जात पात के बहुत प्रचलन था। ये सब चीज नरेंद्र को बहुत व्यथित करता था। अमेरिका में जब वर्ल्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होने वाला था, तब स्वामी जी को लगा कि यही सही समय है जब प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूरा विश्व में लेके जा सकते हैं और अमेरिका के नई टेक्निक को भारत तक पहुंचा सकते हैं। और कहा जाता है कि स्वामी जी के सपनों में उनका गुरु रामकृष्ण जी ने भी उनको अमेरिका जाने का संकेत दिया था। नवंबर 1893 में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका एक पार्ट था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के खोज की, इसी के याद में वे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट ऑर्गेनाइज का उद्देश्य था दुनिया को दिखाया जाए कि वेस्टर्न कंट्री साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना एडवांस्ड है। रिलीजियस फैक्टर को भी अवॉइड नहीं कर सकते थे, इसलिए रिलीजियन को भी उन्होंने शामिल किया। पार्लियामेंट में करीबन 7000 लोग जमा हुए थे। दुनिया भर के अलग अलग रिलीजियन के लीडर भी आए हुए थे। हिंदू, बुद्ध, इस्लाम, जैन धर्म जैसे बहुत सारे धर्म के लोग शामिल हुए थे और सभी को
एक सीमित समय के लिए अपना बातें रखने की मौका दिया गया था, लेकिन हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने वाले स्वामी जी को मौका एकदम आखिर में आया। उनको सभी से कम समय भी दिया गया था, लेकिन जब स्वामी जी ने एक बोलना शुरू किया तो पूरा ऑडिटोरियम मोहित होके सुनने लगा। कुछ अलग अंदाज से उन्होंने पहला शब्द किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जिसे सुनकर सभी खुशी से एक साथ खड़े हो गए। उसके बाद से स्वामी जी के नाम न्यूज़पेपर पर आने लगे, उनके काम आदर्श को लोग प्रशंसा करने लगे। स्वामी जी ने कैम्ब्रिज, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे सभी बड़े जगह पर लेक्चर दिए। उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया। अंतिम समय में स्वामी जी अपने बेलूर मठ में बिताया। कहा जाता है कि स्वामी जी को अपना अंतिम समय का आगाज पहले से ही हो गया था। अंतिम समय में उनको अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ था। स्वामी जी का मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 में 39 ईयर्स में बेलूर मठ में हुआ था।